अस्पताल के बंदिशों के पीछे मासूम की चिड़चिड़ी लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन की 12 वर्षीय मासूम रेप पीड़िता का मामला बेहद चौंकाने वाला है। उसे अस्पताल में एडमिट होने के बाद 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन उसके मन में हो रहे दरिंदगी के दृश्यों को भूलना मुश्किल है। उसके दिल और दिमाग में वो दरिंदगी की घटना कौंध रही है। वह इस समय असहनीय शारीरिक दर्द के साथ लगातार छटपटा रही है। मानसिक रूप से वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है और अनजान पुरुष स्टाफ को देखकर डरकर चिल्लाने लगती है। उसकी इस स्थिति को देखकर अस्पताल और पुलिस के महिला स्टाफ को ही उसके पास जाने दिया जा रहा है। मासूम की हालत बता रही है कि वो शारीरिक रूप से तो काफी समय लगेगी ठीक होने में, लेकिन मानसिक रूप से वह कब उभरेगी यह कहना मुश्किल है। अस्पताल में हुई इस दरिंदगी का पीड़िता के साथ यह सामर्थ्य है कि वो खुद अपने दर्द के साथ कैसे निपटे। उसे सहारा और मानवता की जरूरत है। पुलिस और अस्पताल स्टाफ के अनुसार उन्होंने तुरंत ही बच्ची का इलाज शुरू किया जब वह अस्पताल में पहुंची, लेकिन उसके पास कोई भी पुरुष स्टाफ जाता या वहां से गुजरता तो वह चिल्लाने लगती। उसके साथ महिला स्टाफ ने कोशिश की उसको नियंत्रित करने की, लेकिन उसका रवैया विशिष्ट था। इस दौरान उसके साथ आई महिला तहसीलदार और 2 महिला पुलिस कर्मियों ने स्टाफ को वहां से जाने के लिए कहा और उसे संभाला। मानसिक स्थिति को देखकर स्टाफ भी हैरान रह गया। वे इस संशय में थे कि वह मानसिक रूप से ही बीमार है या उसके साथ हुए हादसे के बाद ऐसी स्थिति हुई है। इसका कारण था कि इसके पूर्व उज्जैन पुलिस ने उसे भिखारी, मानसिक रूप से कमजोर आदि बताया था। इसके चलते अस्पताल स्टाफ भी फिर यही मानने लगा कि वह मानसिक रूप से बीमार है। इस बीच वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ICU में पुरुष मेडिकल स्टाफ के जाने पर सख्ती से प्रतिबंध किया गया। मासूम के गुप्तांग में गहरा जख्म, उसके साथ दरिंदगी ऐसी हुई कि बड़ा हिस्सा फट गया है और काफी ब्लीडिंग हुई है। उसे कई टाके आए हैं। बच्ची की सर्जरी होकर 72 घंटे हो चुके हैं। सर्जरी में जो टाके आए हैं उनके खुलने में ही 1 माह का समय लगेगा। डॉक्टर की एक पैनल ने उसकी सर्जरी की जिसमें गायनिक, पीडियाट्रिक व एनेस्थीसिया एक्सपर्ट शामिल थे। बच्ची अभी भी सदमे में है। वह नहाने या स्पंज के लिए भी किसी को हाथ नहीं लगाने देती। इसका बिहेवियर इरिटेबल हो गया है। उसे किसी भी प्रकार की दवाई देने, नारियल का पानी देने, इस तरह की सॉफ्ट डाइट लेने आदि के लिए काफी समझाना पड़ रहा है। इसके चलते डॉक्टरों ने उसके लिए महिला काउंसलर की व्यवस्था की है। शुक्रवार देर शाम बच्ची ने ड्रेस मांगी तो अस्पताल प्रशासन ने उसे नए कपड़े खरीद कर पहनाए। अस्पताल के गेट पर पुलिस का सख्त पहरा है। अस्पताल में इंदौर पुलिस के अलावा उज्जैन व सतना पुलिस भी तैनात है। घटना के आरोपी को शुक्रवार शाम कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने उसे 7 दिन के न्यायिक रिमांड में भेजने को आदेश दिए। आरोपी पिता ने कहा कि बेटे का गुनाह माफी के काबिल नहीं। पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों? गोली मार देना था। पीड़िता के दादा, चाचा व परिजन SP सचिन शर्मा से बोले कि जल्दी से न्याय दिलवा दो, आरोपी को फांसी के फंदे पर देखना चाहते हैं। वहीं एक होटल कारोबारी ने पीड़ित परिवार को 1,00,000 रुपए की मदद दी है। चूंकि मामला राजनीतिक रूप ले चुका है, इसलिए सख्ती का असर उसके परिवार पर भी पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर उज्जैन पुलिस सतना से उसके परिवार के कुछ लोगों को साथ लेकर आई और उसके पास ले गई, फिर चंद ही मिनटों में उन्हें रवाना कर दिया। यह सब इतना फटाफट हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं सका। बहरहाल मासूम को शारीरिक रूप से ठीक होने में कम 3 महीने लगेंगे। बयान, आरोपी की शनाख्त आदि के दौरान वह फिर डिस्टर्ब हो सकती है, इसके लिए महिला काउंसलर द्वारा प्रयास किए जाएंगे। राहुल गांधी का मिलने जाने का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन परमिशन मुश्किल। अब यह भी खबर आ रही है कि 30 सितंबर को ही राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वे काला पीपल में सभा लेने के लिए इंदौर एयरपोर्ट से होते हुए जाएंगे। ऐसे में वे पीड़िता से मिलने जा सकते हैं, ऐसा स्थानीय कांग्रेसियों का कहना है। हालांकि प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि बच्ची की हालत देखकर उसे अभी किसी से मिलने की परमिशन देना संभव नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।